सुपरस्टार, सभी जानते हैं उसको, तो इनको तो शायद नहीं जानते होंगे आप लोग, लेकिन अमिताभ बच्चन का बता देता हूँ। अमिताभ बच्चन कलकत्ता में नौकरी करते थे, कलकत्ता में नौकरी करने के बाद उन्होंने बोला कि कुछ न कुछ मुझे करना है, और न्यूज एंकर ऑल इंडिया न्यूज के न्यूज एंकर के लिए चले गए अपना ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशन दे रहे थे कि न्यूज कैसे पढ़ते हैं, न्यूज कैसे बोलना होता है। ऑडिशन दिया और उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। किसलिए सिलेक्ट नहीं किया गया, उनका रीजन बताया गया कि आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया। फिर फिल्में लेने के लिए जाते रहे दूसरी जगह पे, फिल्में देखते तो उसका हाइट देखते, अरे इतना लंबा कैसा आदमी है यार, ये हीरो बनेगा, अरे तेरी हीरोइन किसको बनाएंगे यार, तो ये हीरोइन तो बिल्कुल यहाँ पे आएगी, तेरे किसके साथ थोड़ी बनेगी। और इसका मजाक बहुत उड़ाते थे अमिताभ बच्चन, लेकिन उसके पास क्या स्किल था, कुछ नहीं थी उसके पास, बोलने की भी कला नहीं थी उसके पास, बोलना नहीं आता था। न्यूज एंकर से उसको हटा दिया गया, सेलेक्ट नहीं किया गया। न्यूज एंकर में गए तो सेलेक्ट नहीं किया गया, क्यों? स्किल पावर नहीं थी उसके पास, एक्टिंग की स्किल पावर नहीं थी। माँ बाप का सहारा लिया, फादर इनके बहुत बड़े होते अमिताभ बच्चन के, एक कवि थे हरिवंश राय बच्चन जी, उनका सहारा लिया, किसी का लिया फिल्मों में काम करने के लिए। फिर एक फिल्म मिली सात हिंदुस्तान, एक्टिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती थी, और काम किया फिल्म पूरी तरह से, दूसरी फिल्म हाथ पांव जोड़ के पेंसिल ली, फिर फ्लॉप, तीसरी ली फ्लॉप, सारी फिल्में रिपीट की। लेकिन उसी असफलता के कारण ही वो सारी चीज सीखते रहे, किसके कारण? विल पावर के कारण, केवल विल पावर नहीं, बोलना तक नहीं आता था उसको। ऑल इंडिया से रिजेक्ट किया हुआ आदमी, फिल्मों से रिजेक्ट किया हुआ आदमी, फिर जंजीर फिल्म आती है, इसी विल पावर के कारण उन्हें स्किल पावर सीखी है, और फिर बाद में वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बना। और 1984 में इलेक्शन भी लड़ा उसने इलाहाबाद से, राजीव गांधी के दोस्त थे, राहुल गांधी के पापा ना, वो राजीव गांधी थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, तो वहां पे उन्होंने इलाहाबाद से टिकट लिया। उनके मुकाबले में थे हेमवती नंदन महुगुणा, जो वहां के एक्स सी एम भी थे यूपी के, और हेमवती नंदन महुगुणा ने बोला था मेरे को हराने वाला यहाँ से कोई पैदा नहीं हुआ इलाहाबाद से, और अमिताभ बच्चन आए, उन्होंने बहुत पूरी तरह हेमवती नंदन महुगुणा को हरा दिया, हर जगह पास होने लग गए थे, हर जगह फैल हुआ आदमी अमिताभ बच्चन, अपने विल पावर से हर जगह पास होना शुरू। उनको कोई फिल्में नहीं देता था, फिल्मों से संन्यास लिया, और एक उन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता करवाई जो कि बंबई में होनी थी, जिसका $2 मिलियन खर्च था, लेकिन किसी कारण से उसको ईस्ट अफ्रीका में शिफ्ट किया गया, और वहां पे $5 मिलियन उसका खर्च आया, $3 मिलियन एक्स्ट्रा, जितना बंबई में पैसा आना था टिकटों की बिक्री से वो वहां से नहीं आया। घाटन में एक कंपनी खोली उन्होंने ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो सोचते कि जितना मेहनत मैंने किया है दूसरे कलाकारों को उतनी मेहनत ना करनी पड़े, नए नए हीरो हीरोइनों को मौका देते थे, सिंगर म्यूजिशियन को मौका देते थे, लेकिन वो कंपनी भी फेल हो गई और पूरी तरह घाटे में चले गए। और घाटे में जाने के बाद में सोचते रहे, कर्जा चढ़ गया, लोन जिससे लिया था बैंक वाले लोन मांगने लगे, जिससे उधार उठा था वो पैसा मांगने लगे, लेकिन उन्होंने कभी भी देश नहीं छोड़ा है, कभी भी वहीं रहे, बैंक करप्ट होने के बाद भी यहीं रहे, और सबसे मिलते रहे और काम के लिए भागते रहे। मेहनत बताता हूँ, मेहनत क्या चीज होती है, काम के लिए भागते रहे वो, और काम में भागने के बावजूद भी कोई उसको प्रोड्यूसर डायरेक्टर काम देने के लिए तैयार नहीं था। फिर रात को एक ऐसे ही बैठे थे, सोच रहे थे इससे कैसे निकलूंगा मैं, क्या करूं अभी, मैं तो कर्जदार हो गया हूं, दुनिया का कर्जा देना है मेरे को। तो बाहर से एक आवाज आई, दरवाजा खड़खड़ाया, तो बाहर निकलते हैं अमिताभ बच्चन जी, अरे कौन है, खोला दरवाजा, कोई भी नहीं था, तो सोचा मेरा वहम होगा, तो दोबारा दरवाजा बंद किया, फिर दोबारा से दरवाजा खटखटाया, दोबारा खटखटाने के बाद में फिर दरवाजा खोला उन्होंने, फिर देखा बाहर कोई है क्या, फिर बाहर कोई नहीं था। फिर अमिताभ बच्चन ने बोला भैया कौन है आप, बाहर सामने क्यों नहीं आते, बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो। तो एक लेडी की आवाज आई, बोला मैं तो आपके पास ही हूँ, मैं आपकी उम्र हूँ और आपकी साथ ही चल रही हूँ, आप तो मेरा ध्यान ही नहीं रख रहे, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी, चाहे आप मेरे से नाराज हो चाहे खुश रहो। अमिताभ बच्चन को एकदम से झटका लगा, वो समझ चुके थे कि ये बड़े हीरो वाले रोल अभी मिलने वाले नहीं है, अभी जो भी काम मिलता है ले लीजिए।
फिर यश चोपड़ा के घर गए मॉर्निंग में तैयार होके हाथ पांव धो के पुरानी दोस्ती का मौका देके एक फिल्म मिली उनके मोहब्बते और वो मोहब्बते थोड़ी सी चली फिर दोबारा से उनका फिल्मी करियर थोड़ा थोड़ा चला। फिर कौन बनेगा ये करोड़पति गेम शो आया सभी जानते हैं उसको और वहां से उसको बहुत पैसा मिला आज वो बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। उतार चढ़ाव लाइफ में आता ही रहता है उनके पास भी आया है। जब रात दिन था फिर रात आई बड़ा काली अंधेरी रात कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था और फिर दिन का उजाला उनके सामने भी है और आज भी वो बहुत बड़े कलाकार हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अगर आपके टीचर आपको सेट कर सकते आपके पेरेंट्स माता पिता आपको सेट कर सकते तो सभी के सभी बच्चे सेट होते। क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा सेट ना हो, कोई टीचर ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट सेट ना हो। हर टीचर चाहता है, हर माँ बाप चाहता है, वो विल पावर आपके अंदर ही आनी चाहिए। अमिताभ बच्चन की वाइफ का नाम है ये जया बच्चन और पत्नी का नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन। तो मैं पूछ रहा हूं जब पूरे कलाकार है ऐश्वर्या राय बच्चन की बहुत अच्छी कलाकार है, अमिताभ बच्चन बहुत बड़े कलाकार, जया बच्चन बहुत बड़ी कलाकार, तो क्या कारण है कि अभिषेक बच्चन कलाकार नहीं बन पाया उतना अच्छा, 10% भी नहीं बन पाया? किस चीज का कमी था उसके पास में? विल पावर का कमी था। और अमिताभ बच्चन के पास तो कुछ स्किल पावर थी नहीं, कोई सिखाने वाला भी नहीं था उसको, उसने खुद सीखा है क्योंकि उसके पास विल पावर थी। और अभिषेक बच्चन के पास सब कुछ होने के बाद भी ऐसा सितारा है तो उसके पास विल पावर